मेहनत, हौसला, आत्मविश्वास, जीत का जज्बा और हार न मानने की धुन, ये सब आप इन भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर देख सकते हैं, जिनकी बदौलत भारत टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक के साथ पदक तालिका में 34वें नंबर पर काबिज है। शुरुआत करते हैं पैरालंपिक के पहले गोल्ड से। 19 साल की अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पर निशाना लगाया। मेडल जीतने की शुरुआत भाविना के शानदार टेबल टेनिस खेल से हुई। भाविना ने सिल्वर जीतकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। अब आते हैं पुरुषों के डिस्कस थ्रो में। F56 कैटेगरी में योगेश कठुनिया ने 44.43 मीटर डिस्कस थ्रो कर सिल्वर पदक जीता, तो विनोद कुमार ने F52 कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम किया। हाई जंप में भारत के निषाद कुमार ने 2.06 मीटर ऊंची जंप लगाकर सिल्वर मेडल जीता। पिछली दो बार से गोल्ड मेडल जीत रहे देवेंद्र झांझरिया ने भी भारत की उम्मीदों को निराश नहीं किया। उन्होंने 63.97 मीटर जैवलिन थ्रो कर सिल्वर पदक जीता। इससे पहले देवेंद्र ने एथेंस 2004 और रियो 2016 में गोल्ड जीता था। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक भारत के नाम किया। पैरालंपिक के भारतीय इतिहास में यह अब तक का सबसे ज्यादा मेडल है, पर जीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बना रहेगा।